उज्जैन में हनुमान जयंती पर शहर के विभिन्न मंदिरों में अनेक आयोजन हुए। इसके लिए बाबा के दरबार को फूलों से सजाया गया। इस अवसर पर जगह जगह बजरंग बली का आकर्षक श्रृंगार किया गया। अखंड ज्योति हनुमान मंदिर पर जयंती महोत्सव पर राजा की पगड़ी और चमकदार पोशाक से सजाया गया। बाबा की एक झलक देखने के लिए अल सुबह से ही शहर के विभिन्न मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। उज्जैन में हनुमान जयंती महोत्सव के तहत शहर के विभिन्न मंदिरों में सजावट और आकर्षक श्रृंगार किया गया। जयंती के अवसर पर अल सुबह दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा, जहां भक्तों ने बाबा के दर्शन करने के साथ विशेष पूजा अर्चना की। अखंड ज्योति हनुमान मंदिर को अष्टमी महोत्सव पर राजा की पगड़ी और चमकदार पोशाक से सजाया गया। वहीं पुराने शहर स्थित गेबी साहब को हनुमान राम सीता के साथ नौका चलाते हुए दिखाया गया। पुजारी घनश्याम ने बताया कि अखंड ज्योति हनुमान मंदिर पर सुबह से मंगल आरती कर ध्वज का पूजन किया गया। हवन एवं अखंड रामायण पाठ की पूर्ण आहुति होगी। शाम को ध्वज जल समारोह निकाला जाएगा। आज चैत्र मास की पूनम के दिन ब्रह्म मुहूर्त के अंदर हनुमान जी का जन्म हुआ था और आज बड़े धूमधाम से उल्लास के साथ शहर के अंदर हनुमान जयंती जन्म उत्सव मन रहा है। और साथ ही में हमारे मायापति हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्म उत्सव 10 दिवसीय हुआ, उसके अंतर्गत 9 दिनों तक राम कथा चली है। गिरिजी ने उसका आचरण करा है और 10 दिन तक विशाल भंडारा हुआ है। और आज जयंती के पावन अवसर पर अभी यज्ञ हवन होगा, तद उपरांत आरती और भंडारा होगा। हाँ जी, आज बहुत भीड़ भाड़ है और धूमधाम है और उससे समूचे उज्जैन शहर के अंदर बड़ा उत्साह के साथ और धूमधाम से हर मंदिर में हनुमान जयंती बन रही है। उज्जैन से हनुमान जी एका तो सनातन धर्म का है, आदि आनंदी काल से है। जब रामराज की स्थापना हुई थी तो हनुमान जी यहाँ पे शिप्रा का जल रामराज के लिए भरने आए थे, उस काल से हनुमान अष्टमी भी यहाँ पर अंती आ रही है। 2 दिवसीय महोत्सव के अंतर्गत नित्य नए अनुष्ठान हुए, जिसमें प्रतिदिन पंचांग पूजन किया गया। ऐसे ही नीलगंगा हनुमान मंदिर पर भी मारुति नंदन का विशेष श्रृंगार किया गया। बता दें कि नीलगंगा सरोवर से ही सिंहस्थ की शुरुआत होती है। नीलगंगा हनुमान मंदिर में रामायण में भी उल्लेख मिलता है। IMC24 न्यूज के लिए उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।